पुरानी बात कर रहा हूं आज से अराउंड 43 इयर्स पहले जब मैं 13 इयर्स का था. डोंट आस्क माय एज, मेरी एज नहीं पूछिएगा. आज से 43 इयर्स पहले जब मैं 13 इयर्स का था तो पहली बार बॉम्बे गया था. बॉम्बे यू नो ओके, जहां पर मेरे दोस्त रहते हैं शाहरुख खान. शाहरुख खान से पूछो टीएस मैदान को जानते हो, वो कहेगा कौन है वो. इससे बड़ी बात और क्या है, वो कह देगा कौन है वो. और यही वर्ड्स सलमान खान भी बोलता है, उसे पूछो टीएस मैदान को जानते हो, वो भी कहेगा कौन है वो. सभी लोग मुझे जानते हैं, सभी कहते हैं कौन है वो. पहली बार बॉम्बे गया, मेरे अंकल, मेरे चाचा जी, मेरे पिताजी के छोटे भाई वहां पर रहते थे. 5 floors, 5 stories का घर. ग्राउंड फ्लोर पे खुद रहते थे उनकी फैमिली, फर्स्ट फ्लोर पे उनके दोस्त, उनके गेस्ट, हमारे जैसे लोग जो बाहर से आते थे. सेकंड फ्लोर उनके सर्वेंट्स, थर्ड फ्लोर जिमनेजियम, एक जिम बना हुआ था, एंड फोर्थ फ्लोर एक क्लब बनी हुई थी. उस जमाने में 43 इयर्स पहले उनके घर की, उनके बंगलों की कीमत प्राइस 25 करोड़ थी. 25 करोड़, 43 इयर्स पहले. मेरा भी दिमाग खराब हो गया, सोचा अमीर बनना है तो ऐसा ही अमीर बनना है. हर रूम में क्रॉकरी, सिल्वर इंपोर्टेड, दीवार पे बड़े बड़े फोटोग्राफ्स, हाथ में गोल्ड, गले में गोल्ड चेन. सोच लिया अपने पिताजी के भाई जैसा अमीर बनना है. वापस आया अपने शहर में, अपने पिताजी से पूछा, पापा आपके भाई जितना अमीर बनना चाहता हूं. कहते पहले स्टडीज तो कंप्लीट कर ले. स्टडीज कंप्लीट हो गई, मैंने कहा बोलिए. कहते शादी तो करवा ले. शादी हो गई, मैंने कहा बोलिए. कहते बच्चे तो पैदा कर ले. बच्चे पैदा हो गए, तब मैंने व्यापार शुरू किया. मैं एक और दिक्कत बता देता हूं, अपनी समस्या, एक परेशानी. जब कहीं मैं सेमिनार करता हूं तो मुझे आपकी एज दिखाई नहीं देती है. मेरे लिए आप सब लोग सन्स एंड डॉटर्स हो. बनने के लिए तैयार हो? मेरी वाइफ बहुत खुश होगी. 600 सन्स एंड डॉटर्स, और उसे कुछ करना भी नहीं पड़ा. कहते हैं नो पेन नो गेन, यहां पर सारा गेन विदाउट पेन है. सो माय डियर सन्स एंड माय डियर डॉटर्स, जब मैंने व्यापार शुरू किया मैंने बहुत पैसा कमाया लेकिन अमीर नहीं बन पाया. अमीर समझते हैं ना, रिच. बहुत बहुत पैसा कमाया, बहुत रुपया कमाया, अमीर नहीं बन पाया. गाड़ी खरीद ली, अमीर नहीं बन पाया. बहुत बड़ा घर बना लिया लेकिन अमीर नहीं बन पाया. लाखों रुपए, लाखों रुपए, लाखों रुपए हर महीने कमाने शुरू कर दिए लेकिन अमीर नहीं बन पाया. अब आप पूछोगे कौन सी अमीरी की बात कर रहा हूं. लाखों रुपए आ गए, गाड़ी आ गई, बहुत बड़ा घर आ गया, फिर कौन सी अमीरी की बात कर रहा हूं. ये अब पहले कौन बोला था, यहां से कौन बोला था पहले. आप खड़े होइए ना, आपको बोलने के पैसे मिले हैं, तो क्यों बोल रहे हो. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू. मैं आपको बताता हूं, मैं अपनी वाइफ के साथ, मेरी वाइफ का नाम है पिंकी. नाइस नेम. अगर आप मेरे सन एंड डॉटर हो वो आपकी क्या लगी. इसीलिए मैं डिस्कवर कर लेता हूं पहले ही. मैं पिंकी के साथ शॉपिंग करने जाता था, वो देखती थी फैब्रिक, वो देखती थी कपड़े का प्रिंट, वो देखती थी कपड़े का डिजाइन, और मैं देखता था कपड़े पर लगा हुआ रेट का टैग. आपको याद आ रहा था सारा कुछ. हम एप्पल खरीदने जाते थे, वो कहती थी वो एप्पल, सामने वाले ठेले के एप्पल चाहिए. मैं पहले पूछता था भाई एप्पल्स रेट क्या.
रहा है। अगर कुछ भी खरीदने से पहले आपको रेट पूछना पड़ता है तो आप गरीब हो। अगर कुछ खरीदने से पहले आपको रेट पूछना पड़ता है तो आप गरीब हो। लेकिन मैं तो अमीर बनना चाहता था, जहां पर रेट ना पूछना पड़े। ज्वेलर के पास गए, पैक कर दे। कपड़े वाले के पास गए, पैक कर दे। जो भी अच्छा लगा पैक कर दे। और उस वैसा अमीर बनने के लिए वापस मैं बॉम्बे गया अपने चाचा जी के पास। और मेरे चाचा जी वो अपना बड़ा सा घर बेच चुके थे, वो लंबी गाड़ी बेच चुके थे, उनके हाथ में सोना नहीं था, वो क्रॉकरी चांदी की गायब थी। तो मैंने कहा चाचा जी आप मेरे आदर्श हो, आप मेरे आइडियल हो। मैं आपको देखकर अमीर बनने का स्वप्न देखा, ड्रीम देखा। लेकिन आप अमीर क्यों नहीं रहे? तो मेरे चाचा जी ने कहा कि अमीरी से मैं ऊब गया था, टायर्ड हो गया था, मन भर गया था। मेरी बात समझ पा रहे? मन भर गया, अमीरी से मन भर गया था। मैंने अमीरी का त्याग कर दिया, छोड़ दिया अमीरी को। मैंने कहा चाचा जी क्योंकि आप मेरे आदर्श हो, इसलिए मैं भी आज से त्याग का ऐलान करता हूं। तो मेरे चाचा जी कहते तेरे पास है क्या त्याग है? कहते मेरे पास अमीरी थी, मेरे पास गाड़ी थी, मेरे पास बंगला था, मेरे पास सोना था, मेरे पास चांदी थी, तेरे पास क्या है त्यागने के लिए? मैंने कहा चाचा जी आपके पास अमीरी थी, आपने अमीरी का त्याग कर दिया, मेरे पास गरीबी है, मैं गरीबी के त्याग का ऐलान करता हूं। अमीरी त्याग नहीं, मुश्किल नहीं है, अमीरी त्याग नहीं, डिफिकल्ट नहीं है। पैसा छोड़ दीजिए, पैसा फेंक दीजिए, सोना फेंक दीजिए, चांदी फेंक दीजिए, कार फेंक दीजिए, अमीरी त्यागी जा सकती है, लेकिन गरीबी त्यागनी बहुत मुश्किल है। उसके लिए 24 घंटे काम करना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है, उसके लिए ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड करने पड़ते हैं। क्या आप भी मेरे जैसे गरीब हैं कि जब कुछ खरीदने गए तो पहले रेट पूछना पड़ता है? आओ, तो आप इस गरीबी का त्याग करने के लिए तैयार हो सभी? ओके, अभी नेक्स्ट फ्यू सेकंड्स मैं आपको बोलूंगा खड़े होने के लिए, मेरे कहने के बिना नहीं खड़े होना है। जैसे बोलूं खड़े हो जाइए, आप खड़े होके अपने भगवान को, अपने गॉड के साथ कनेक्ट हो जाना। पूरा शोर, पूरी ताली, पूरी क्लैपिंग, पूरी हूटिंग, पूरी विसलिंग जितना भी कर सकते हो, और ये जितनी देर मैं बैठने के लिए नहीं कहूं उतनी देर आप नहीं बैठोगे। पूरा शोर, पूरा इन डिसिप्लिन, और ध्यान केवल उस खुदा, उस परमात्मा, उस भगवान, उस गॉड के साथ। और जब मैं कहूंगा वापस बैठ जाइए, आप बैठ जाना। क्लियर? क्लियर? ओके, खड़े हो जाइए पूरा जोर। ये
यहां हमने 3 आवर्स का सेशन करना है, ना समुंदर है ना पहाड़ है।
ना हीरो है ना हीरोइन है ना एक्शन है, एक ही स्टोरी में बोलना है। अगर हम मस्ती नहीं करेंगे तो आप लोग सो जाओगे। कितने लोग जानते हैं कि कस्टमर भगवान का रूप होता है? रेज योर हैंड्स, हैंड्स डाउन। क्वेश्चन वाज कितने लोग जानते हैं, एंड नाउ क्वेश्चन इज कितने लोग मानते हैं। जाना 100% हर कोई जानता है कि ग्राहक भगवान का रूप होता है, लेकिन मानता कोई कोई है। मैंने जब बिजनेस शुरू किया, मैंने अपने पिताजी से कहा, पापा मुझे एक कार दे दो। तो मेरे पापा कहते हैं भगवान से मांग। मैं भगवान के आगे बैठ गया, उनकी पूजा की, प्रेयर की, पूरा दिन भक्ति की, इवनिंग में मुझे कार नहीं मिली। मैंने कहा पिताजी अब क्या करूं? कहते भगवान को टाइम तो दे। मैंने 3 महीने का टाइम दे दिया, 3 महीने पूजा करता रहा, मुझे कार नहीं मिली। 3 महीने के बाद पिताजी कहते हैं वैसे कर, इस दुनिया में बहुत ज्यादा भगवान है, भगवान बदल दे। तो मैंने भगवान बदल दिया, कभी हिंदू का भगवान, कभी मुसलमान का भगवान, कभी सिख का भगवान, कभी क्रिश्चियन का भगवान, कभी बौद्ध, कभी जैन, सारे भगवान ट्राई किए, किसी भगवान ने मुझे कार नहीं दी। लेकिन मैं जानता था एक तो एक भगवान तो होगा ना जो मेरे कहने पर मुझे कार देगा। मैंने केवल ढूंढना था कि वो भगवान है कौन सा। वो मैं घर से बाहर निकला, घर से बाहर निकला, जैसे ही बाहर निकला मुझे वो भगवान दिखाई दे दिया। मैंने कहा मुझे कार चाहिए, उसने मुझे कार दे दी। मैंने कहा मुझे इतने पैसे चाहिए, उसने पैसे दे दिए। मैंने कहा मुझे ज्वेलरी चाहिए, उसने ज्वेलरी दे दी। मैंने जो मांगा उसने दे दिया, और उस भगवान का नाम है कस्टमर की एक्सेस में। भगवान की एक्सेस में कभी भी आप उसके बारे में बुरा नहीं बोलते हो। आपको भगवान दिखाई नहीं देते हैं, फिर भी आप उनके बारे में बुरा नहीं बोलते हो। तो कस्टमर की एक्सेस में कभी भी कस्टमर के बारे में बुरा नहीं बोलना है। जैसे ही मैं घर से बाहर निकला, मुझे वो युग दिखाई दिया। जब जब उस युग की सेवा करता रहा, जब जब उस युग की सेवा करता रहा, जब जब उस क्लाइंट की सेवा करता रहा, मुझे क्लाइंट मेरी मर्जी से मुझे सफर देता रहा, और ऐसे भगवान को हमेशा मैं प्रणाम करता हूं। आप इसको आ सकता है स्टेज पर, आ जाइए। स्टेज पर आना भी तो अपने आप में एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है। अगर स्टेज पे आके थोड़ा मुश्किल लगे तो राय थोड़ा सा नहीं सकते। आप शाहरुख खान को मिमिक्री कर सकते हो? शाहरुख खान किरण कर सकते हो? इतना बोल सकते हो हे किरण? सकते हैं सर, हे किरण। इसका मतलब इसके इनके अंदर शाहरुख खान है, 10% है, बाकी 90% भी आ सकता है। 90% कैसे आगा? आप बहुत ज्यादा गर्मी है, समर के डेज हैं, एसी ऑन है, आपने शर्ट नहीं पहना है, फ्रिज में गए, फ्रिज में से ठंडी ठंडी हवा आई, फ्रिज खोलिए, खोलिए, खोल दीजिए। आपने शर्ट नहीं पहना है, एसी ऑन है, बहुत ठंड है अंदर, खोलिए फ्रिज, हाँ बहुत ठंड लग रही है, आप बोलिए आ गया।
जल्दी से बैठ जाइए जो बाहर है, मेरे लिए एक मिनट लीजिए।